गाइस इट्स मी डॉक्टर आजम एंड यू आर वाचिंग रूहानिया वीलॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो आपको एक मल्टीमीडिया स्ट्रिंग का नज़र आ रहा होगा इसका रिव्यू दिखाऊंगा। और मोस्टली मैंने जितने भी चैनल्स देखे, क्योंकि मुझे खुद इसको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा था और यूज़ करना भी नहीं आ रहा था, तो मैं काफ़ी चैनल्स ढूंढता रहा यूट्यूब के कोई मुझे इसका रिव्यू बता दे, लेकिन ऐसा किसी ने भी इस मुझे कोई रिव्यू ख़ास नहीं मिला। सो आज मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक स्ट्रिप बैंड है, इसको आप यूज़ करके ओपन कर सकते हैं और ये आप इसके साथ बांध देंगे। अलावा इसके ये जो आपकी जो डिवाइस है, जो मेन कंपोनेंट है, ये मूव होकर यहाँ से बाहर निकल सकता है। यहाँ पर ये आपके पास इसका IR ब्लास्टर है या रिमोट है, इंफ्रारेड है, और ये इसके अंदर बाकी इसके मुख्तलिफ बटन्स हैं। सो करना आपने क्या है कि मेरे पास ये पायनियर का जो है वो डैक लगा हुआ है। सो और इसके साथ इसके लिए प्री रिक्विजिट ये रिमोट है इसका। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के डैक में रिमोट है तो ये इजीली आप जो डिवाइस है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। करना आपने ये सिंपल सी ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो सेल इसका डलेगा, यहाँ पर पीछे सेल डलेगा, ये वॉल्यूम अप है, ये वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन है आपके पास। करना आपने ये है सबसे पहले कि आप इसको जो सेट का बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे, और जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं प्रेस कर भी दूँ अगर तो शायद महसूस ना हो आप लोगों को लाइट, क्योंकि जो है यहाँ देखें लाइट महसूस होना शुरू हो गई। अब ये देखें लाइट आपके पास जो है मेरी बिल्कुल स्टेडी है, बिल्कुल स्टे कर रही है लाइट ये, और डार्क लाइट है। अब आपने क्या करना है, सेट बटन आपने दबा चुके हैं, अब आपने ये जो पावर का जो बटन है, आप इसमें कोई और बटन सेट करना चाह रहे हैं, इसको दबाएंगे तो ये देखिए ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर रही है। अब इसकी पावर बटन में जो भी आपने बटन सेलेक्ट करना है अपने रिमोट का, इसको इसके सामने एज इट इज़ बिल्कुल आमने सामने आप ऐसे रख देंगे, और इसमें लेट सपोज़ मैं जो हूँ वो पॉज का बटन जो है वो डालता हूँ, म्यूट का लेट सपोज़, तो लाइट ऑफ हो गई, क्योंकि कुछ सेकंड्स होते हैं, उन सेकंड्स में ही आपने इसको जो है वो पूरा करना होता है। आप इसको प्रेस करके रखेंगे, लाइट आई गैस जलना शुरू हो गई है। जी देखें लाइट ब्लिंक हो गई है। अब आप क्या करेंगे,
मैं आप थोड़ा सा एंगल इसका बराबर कर दूं, ताकि अब इसमें जो है आपने जो पावर बटन है इसको प्रेस किया, लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। और अब आप क्या करेंगे कि जो आपका बटन है आपको चाहिए है इसमें लेट सपोज म्यूट का, वो आप सामने रख कर इसके प्रेस करेंगे। जब आपने प्रेस किया, देखिए लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक हुई। अब ये पावर बटन जिसके साथ सेट हो चुका है, और दोबारा इसको आप सेट पे क्लिक कर देंगे। आपने सेट कर दिया है बटन्स अपने, अब आप क्या करेंगे कि जो पावर का बटन है इसको ला कर करीब, बहुत ज़्यादा करीब इसको चेक करेंगे। ये 10, 12, 20, 25 दफ़ा अगर आप करेंगे फुल क्लोज करके, तो इसकी आखिर सेटिंग कैलिब्रेट हो जाती है। इस तरह आप इसको करते रहेंगे और ये कैलिब्रेट हो जाएगा, ठीक होगा। मैं आपको बाकी बटन्स दिखा देता हूँ डेमो देकर। आपका रिमोट आपके सामने, ये रिमोट रखा है इसका, मैं ऊपर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रिमोट मैंने ऊपर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम लो कर रहा हूँ। अब इसका मैं चैनल अगर सेटिंग, गाना ये देखें, गाना नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया गाना। अब मैं फोल्डर चेंज कर दूँ, 6 जो है फोल्डर है, तो ये 7 फोल्डर हो गया मेरा। गाने को मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ ज़रा, इस तरह वॉल्यूम की बढ़ाता हूँ आपके लिए। पॉज करना चाहूँ, ये जो है मेरे पास म्यूट का पॉज का बटन है, इसको प्रेस करूँगा तो ये पॉज हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऑल दो इसकी जो है डिवाइस है, मेन कंपोनेंट है, उसकी क्वालिटी एज सच इतनी आउट क्लास नहीं है, लेकिन ये है कि फंक्शन इसके बहुत अच्छे हैं और कन्वीनियंट है, इसलिए ये गैजेट मैंने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है। सो अगर आपको मेरे बताने का अंदाज़ अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।